14.4 एक कोशिकीय जीवों में वृद्धि और प्रजनन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जीवों में वृद्धि उनके जीवित होने का सूचक होने के साथ साथ प्रजनन का जरिया भी है। एक कोशिकीय जीव में दोनों प्रक्रियाएं लगभग समान हैं। किसी भी पोषक माध्यम में ऐसे जीवों की उपस्थिति एवं वृद्धि उनके जीवित होने और प्रजनन करने की क्षमता को दर्शाती है। चलिए एक क्रियाकलाप से इसका अध्ययन करते हैं। क्रियाकलाप 5, दो लगभग समान आयतन की कटोरियां ले, एक को हल्का गर्म दूध से भरे अ कटोरी और दूसरे को खोलते हुए दूध से ब कटोरी। जरा सावधानी से बड़ों की मदद से प्रयोग को करें। अब दोनों में एक एक चम्मच दही डालें और अच्छे से मिला दें। दोनों कटोरियों को ढक कर रख दें। 5-6 घंटे बाद दोनों कटोरियों को खोल कर देखें, क्या दोनों में कोई अंतर है? इसका क्या कारण होगा? इस प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की मदद से दही के जीवाणुओं को देखने से चित्र 11 अ के समान दिखाई देता है। अ कटोरी में अनुकूल परिस्थिति अर्थात उचित ताप से अधिकतर जीवाणु जीवित रहते हैं। ये दूध से पोषण लेते हैं एवं उनमें वृद्धि होती है, जिससे उनमें पर्याप्त संसाधन जमा हो जाते हैं। आनुवंशिक पदार्थ की मात्रा दुगुनी हो जाती है। वृद्धि होते होते कोशिका विखंडित हो जाती है। इस विवरण से आपको कोशिका विभाजन के बारे में क्या पता चलता है? वृद्धि और प्रजनन में क्या संबंध है? बच्चों, आप सबने तो दही खाया होगा। खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, हमारी सेहत के लिए उतना ही अच्छा होता है। क्या आप जानते हैं, दही में जीवाणु पाए जाते हैं और ये जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो जीवाणु की वृद्धि क्या हर परिस्थिति में एक जैसी होती है? आइए इसके लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं और जानते हैं कि किस परिस्थिति में जीवाणु की वृद्धि अधिक होती है और किस परिस्थिति में जीवाणु की वृद्धि कम होती है। इसके लिए हम दो कटोरियों में दूध लेते हैं। एक में मैंने हल्का गर्म दूध लिया है और दूसरी कटोरी में मैंने ज़्यादा गर्म दूध लिया है। अब इन दोनों कटोरियों में एक एक चम्मच दही मिला देते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे। अब इसे मिलाने के बाद इसको हम ढक कर रखेंगे लगभग 5-6 घंटे के लिए, और 5-6 घंटा होने के बाद हम इसे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि किस माध्यम में, मतलब हल्के गर्म माध्यम में या फिर ज़्यादा गर्म माध्यम में जीवाणु की वृद्धि अधिक हुई है। चलिए बच्चों, 5 घंटा हो चुका है। अब हम दोनों कटोरियों के ढक्कन खोल के देखते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें जो दूध था वो अब दही में परिवर्तित हो चुका है। जैसे कि हमने शुरुआत में इस पहली कटोरी में हल्का गर्म दूध लिया था और
जो दूसरी कटोरी थी इसमें हमने ज़्यादा गर्म दूध लिया था और दोनों में हमने एक एक चम्मच दही मिलाया था जो अब पूरी तरीके से दही में बदल गया है। अब दही में उपस्थित जीवाणु को हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखना है, इसके लिए हमें स्लाइड बनानी होगी। तो पहली कटोरी का दही थोड़ा सा स्लाइड के ऊपर लेकर इससे हम एक स्लाइड तैयार करते हैं। उसी प्रकार से दूसरी कटोरी में जो दही है उसकी थोड़ी सी मात्रा इस ड्रॉपर की सहायता से लेकर इससे भी हम एक स्लाइड तैयार करते हैं। अब इन दोनों को हम कवर स्लिप से ढक देंगे। अब हम एक एक करके दोनों स्लाइड को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप में हम देख सकते हैं कि जीवाणु यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से हम दूसरी स्लाइड को भी देखते हैं। इसमें भी जीवाणु दिख रहे हैं लेकिन इनकी संख्या इतनी अधिक दिखाई नहीं दे रही है जितनी कि पहली स्लाइड में दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से बच्चों जब इन दोनों स्लाइड को हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि पहली जो हमने स्लाइड बनाई थी जिसमें हमने हल्के गर्म दूध से दही बनाया था उनमें जीवाणु अधिक जीवित रह सके। क्यों? क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए जो दूध का तापमान था वो अनुकूल था जिसके कारण वो अधिक जीवित रह सके। दूध से उन्होंने पोषण लिया और फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ने लगी। पर जब हमने दूसरी कटोरी में जो दही था उससे जब हमने स्लाइड बनाई तो वहाँ पर जीवाणु अधिक जीवित नहीं रह पाए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके जीवित रहने के लिए तापमान उचित नहीं था क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा गर्म दूध लिया था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते कि एक कोशिकीय जीवों को जीवित रहने के लिए उचित तापमान की आवश्यकता होती है जिसमें वो धीरे धीरे अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं।